नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की बड़ी खबर। आज राज्य के पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मोहराबादी मैदान में जुटे हैं। यहां से ये सभी पारा टीचर विरोध प्रदर्शन करते हुए आज सीएम आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड करके सभी को मोहराबादी टीओपी के पास ही रोक लिया। पारा शिक्षकों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि पारा शिक्षकों का कहना है कि यह उनका एक दिवसीय कार्यक्रम है, इसलिए एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री आवास तक और बाकी को राजभवन तक जाने दिया जाए। वो वहां शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। करीब 2:30 में शिक्षक संघ के प्रतिनिधि को सीएम सचिवालय की ओर से बातचीत के लिए बुलाया गया। पारा शिक्षक संघ की ओर से 10 दिवसीय टीम सीएम सचिवालय गई। वहां सीएम के प्रधान सचिव विनय चौबे से वार्ता कर लौटे एकीकृत सहायक शिक्षक संघ के सदस्य ऋषिकेश पाठक ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर उनकी छोटी मोटी मांगों को पूरा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सकारात्मक वार्ता का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करने के लिए राज्य के समस्त पारा शिक्षक आए थे, सहायक अध्यापक आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज वादा दिलाने आए थे कि आप प्रत्येक सभा में जो आपने कहा था जे हमारी सरकार बनेगी तो ये माटी की सरकार होगी और सहायक अध्यापकों को पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलेगा। सरकार बनी, सरकार बनने के उपरांत हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ दास द्वारा कुछ पहल किया गया। पारा शिक्षकों को एक नियमावली दिया गया, उस नियमावली में वेतन मान जिक्र नहीं था। वही वादा हम लोग दिलाने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, या आप की सरकार है, 3.5 साल पूरा हो गया, आपने वेतन मान नहीं दिया, आप वेतन मान अब दें। अभी हम लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके सचिव आदरणीय विनय चौबे सर से अभी बातें हुई है, जो नियमावली में इंगित कुछ बिंदु है अभी हम लोग अभी अपनी बात को भी रखेंगे। उन नियमावली में इंगित बिंदु को सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने बोला, वेतन मान के संदर्भ में बोले माननीय चौबे सर द्वारा बोला गया जब मुख्यमंत्री ही विधायिका ही इसके लिए जिम्मेवार है, विधायिका अगर चाहेगी तब वेतन मान का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। हम लोग को उम्मीदें हैं जब मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुला करके वेतन मान का रास्ता निकालेंगे। एक सप्ताह का समय लिए हैं विनय चौबे सर, बोले जे छोटा छोटा जो भी समस्या था, जो नियमावली में इंगित था, वो सारा समाधान एक सप्ताह के अंदर हम कर लेंगे और हम प्रयास करेंगे जे मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता सकारात्मक हो, मुख्यमंत्री जी आपको वेतन मान दें। आप 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, हमने उनके पास एक एग्जाम्पल भी दिया जे अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट पास किए हुए सिर्फ प्रशिक्षित लोगों को वेतन मान 5,200 से 20,000 आप दे रहे हैं, किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है, एक सचिव और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किया जा रहा है और उनको वेतन मान दे दिया जा रहा है। उसी के तर्ज पर हम लोग 20 साल से जब पढ़ा रहे हैं, एक 20 बरस का लड़का को आप वेतन मान दे रहे हैं जिसके पास कोई अनुभव नहीं है। हमारे पास 20 वर्षों का अनुभव है, हमको वेतन मान दे। हम उम्मीद है राज्य के सहायक अध्यापकों को जो वेतन मान हेमंत सोरेन देंगे, इसी विश्वास के साथ एक सप्ताह का हम लोगों ने समय दिया है। संतुष्ट तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है तो चूंकि रास्ता यही है, रास्ता वार्ता का यही है, एक सप्ताह का उन्होंने समय लिया है, एक सप्ताह के अंदर हम लोग इस पर बैठेंगे और जो छोटी छोटी समस्या है उसको समाधान कर लेंगे और वेतन मान के लिए मुख्यमंत्री जी से आपको वार्ता कराएंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।